जिस जिस पर यह संसार हंसा है, हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। वर्तमान की स्थिति के आधार पर किसी के भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मेरे प्रिय, यदि यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे परमात्मा का मार्गदर्शन समझकर पूरा पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ विशेष है। जमीन पर पड़े रत्न के टुकड़े को कहां पता था कि वह महल के सिंहासन में जड़ित हो राजा की शोभा बनेगा। आकाश से निकली बूंद को कहां पता था वह सीप के मुंह में गिरकर मोती बनेगी। मेरे प्रिय, जिस प्रकार कठिन परिस्थिति में हीरा भी अपनी पहचान भूल जाता है, वैसे ही आज तुम यह भूल गए हो कि तुम्हारा मूल्य क्या है। जैसे मिट्टी के ढेर में छुपा देने से हीरा मिट्टी नहीं बन जाता, वैसे ही कठिन परिस्थिति में पड़ जाने से अच्छा इंसान बुरा नहीं हो जाता है। तुम वह अनमोल हीरा हो जो अपनी पहचान भूल गया है। क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? दया, प्रेम, करुणा और दूसरों के लिए सहायता की भावना, क्या यह तुम्हें किसी ने दान में दिया है? नहीं, यह सब तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ और पवित्र है। आज बुराई और शैतान पर विश्वास करने वाले हजारों हैं, पर ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धर्म रक्षक बनने वाले मुट्ठी भर हैं। तो क्या तुम्हारा यह गुण तुम्हें कोयले की खान में हीरा नहीं साबित करता? प्रिय पुण्य आत्माओं, एक बात सदैव स्मरण रखना, जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से परमात्मा की सोच प्रारंभ होती है, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम पर हंसते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हें छोटा समझते हैं। यह उनकी भूल है जो अनमोल रत्न को खोखला समझकर फेंक देते हैं। एक दिन तुम इतिहास रचोगे। अपना घर छोड़कर चली बूंद नहीं जानती थी वे कहां गिरेगी, पर परमात्मा की कृपा ने उसे मोती बना दिया। ऐसे ही तुम पूरा समर्पण परमात्मा पर कर दो, उनकी कृपा तुम्हें ऊंचे सिंहासन पर बिठा देगी। पंख स्वयं उड़कर इमारत पर नहीं जा सकता, पर हवा उसे वहां पहुंचा सकती है। ऐसे ही शायद उस महान पद तक तुम्हारी सोच ना पहुंच सके, पर परमात्मा की कृपा तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। तुम अपनी जिस इच्छा के लिए चिंतित हो वे जरूर पूरी होगी, लेकिन तुम खुद पर और परमात्मा पर संदेह करना बंद करो। जो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता, वे परमपिता पर भी विश्वास नहीं कर सकता।
यदि तुम्हारे समक्ष दूसरों से अधिक समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो समझ जाओ ईश्वर तुमसे दूसरों से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसका संघर्ष भी उतना ही अधिक होता है और परमात्मा तुम्हें अभी से मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि तुम उस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सको। क्या तुम्हें परमात्मा के चुनाव पर विश्वास नहीं है? यदि हाँ तो कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, परमात्मा हर वक्त मेरे साथ हैं।